हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड. लास्ट पीरियड आई कैन टीच डिवीजन चैप्टर. देन पॉइंट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस एंड आई गिव द होमवर्क सेल्फ प्रैक्टिस 5D एंड सॉल्व फर्स्ट एग्जांपल. ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था और इन एग्जाम्पल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी बताया था. तो आज हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. जिन स्टूडेंट्स ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है वेरी बेटर, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो भी ध्यान दें और जिन्होंने सॉल्व किया है वो आंसर को चेक करें. ओके, तो आपको पता चलेगा कि एग्जांपल्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है. वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको रीड करना होता है. ओके, सो फर्स्ट रीड द एग्जांपल्स. नाउ सेकेंड, 50 पेंसिल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 16 स्टूडेंट्स. ओके, 50 पेंसिल्स है और 50 पेंसिल्स को 16 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड गेट, मतलब हर एक स्टूडेंट्स को कितने पेंसिल मिलेंगे. देन हाउ मेनी पेंसिल्स वेयर लेफ्ट, और कितने पेंसिल्स बचे हुए रहेंगे, वे आर लेफ्ट. ओके, तो चलिए टोटल 50 पेंसिल्स. ओके, टोटल 50 पेंसिल्स, सेकेंड में टोटल 50 पेंसिल्स एंड 16 स्टूडेंट. सो 16 टू जा 32 एंड 16 थ्री जा 48 सब्ट्रैक्ट कीजिए. 10 माइनस 8 2, रिटर्न 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 4 0. सो दिस एग्जाम्पल इज सॉल्व. तो एग्जाम्पल सॉल्व हो गया. आपका क्वेश्चन है 3 और रिमाइंडर है 2, मतलब हर एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल मिलेंगे. 16 स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट को यहाँ से ईच स्टूडेंट गेट 3 पेंसिल्स एंड 2 पेंसिल्स आर लेफ्ट. ये 2 पेंसिल्स क्यों लेफ्ट रहे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को 3 पेंसिल जा रहा है. ओके, तो ध्यान में रखना, एक स्टूडेंट अगर यहाँ पे बढ़ जाता है तो भी यहाँ पे 2 ही है, 3 जानी चाहिए थे. तो 3 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इस स्टूडेंट एंड 2 पेंसिल्स वेयर लेफ्ट. ओके, तो ये हो गया सेकेंड. उसके बाद आते हैं थर्ड. थर्ड देखिए, मिस्टर पटेल्स कार हैज ट्रेवल्ड 770 किलोमीटर इक्वली ओवर 22 डेज. हाउ मेनी किलोमीटर्स हैज दिस ट्रेवल्ड इन द वन डे. ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि मिस्टर पटेल्स ने ट्रैवलिंग किया है और टोटल 770 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है. ओके, और उसके बाद देखिए कि टोटल जो डेज है वो 22 डेज मिस्टर पटेल्स ट्रैवल्ड 770 किलोमीटर इक्वली. ओके, मतलब एक दिन इक्वली अगर हम देखते हैं तो आपको एक दिन में मिस्टर पटेल्स ने कितना ट्रैवल किया है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको सबसे पहले 770, ओके, देन 22, सो 22 इज अ डेज एंड 770 किलोमीटर. ओके, अभी आप देखिए कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 22 टू 1 जा 22 एंड 22 टू 2 जा 44. ओके, एंड दिस इज 44 एंड 22 3 जा, आप 22 को यहाँ पे ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 66. ओके, तब 22 3 जा 66, 22 3 जा 66. सो 7 माइनस 6 1 7 माइनस 6 1. ओके, देन 0 को हमने नीचे लाया. उसके बाद देखिए ये हो गया 66, ये हो गया 2 3. ओके, अभी यहाँ पे अगर हम 22 ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे. ओके, ये हो गया 3,
और ये हो जाएगा 4, तो ये आता है 88, ओके। और 88 में अगर हम 22 ऐड कर लेते हैं तो ये आता है 10 और 11, तो 5 पे ये फुली डिवाइड होता है, ओके। 22 5 110 0 and 0, सो टोटल वन डे ट्रैवलिंग 35 किलोमीटर, ओके। वन डे मिस्टर पटेल्स की जो ट्रैवलिंग है वन डे, ओके, ट्रैवल्ड ही हैज 35 किलोमीटर, मतलब 35 किलोमीटर उनकी एक दिन की ट्रैवलिंग है, ओके। चेक कर सकते हो आप, तो डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, ओके, डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 है, तो इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है इसकी मल्टीप्लीकेशन 770 आनी चाहिए, ओके। तो आप करके देख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्या है। ममता हैड पेड रुपीज 2250 फॉर 9 books, हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच बुक, ओके। ममता ने कुछ बुक्स परचेस किए हैं, तो बुक्स परचेस करने के बाद टोटल रुपीज उसने पेड किए हैं 2250, ओके। ये 9 books की प्राइस है 2250, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच बुक, तो एक बुक की प्राइस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, मतलब हर एक बुक की प्राइस क्या होगी, मतलब एक बुक की यहाँ पे प्राइस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज 9 books की जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे दी गई है, आपको 1 book की प्राइस क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसको डिविडेंड लेंगे और इसको डिविजर लेंगे, ओके। सो 2250 देन 9, ओके। तो हम इजीली 2 number की पेयर बनाएंगे यहाँ पे, तो 22 बनता है, ओके, 22 बन गया, सो 9 2 18, 9 2 18, तो 22 - 18 4, बिकॉज 12 - 8 4, एंड 2 - 1 1, एंड 1 - 1 0, सो 4। हम क्या करेंगे, 5 को नीचे लाएंगे, ओके, सो 45 बन गया, सो 9 5 = 45, ओके, 9 5 = 45, 5 5 0, 4 - 4 0, देन दिस 0, एंड ऊपर क्या है, 0 ही है, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे, ओके। सो ईच बुक प्राइस 250 rupees, ओके, 250 rupees ईच बुक, मतलब आप ममता ने जो बुक्स परचेस किए उसमें से एक बुक की प्राइस है 250 rupees, ओके। सो टोटल 9 books उसने लिए है, तो उसने 2250 rupees पेड किए हैं, ओके। नेक्स्ट है 5 number, अ बुक कंटेन 2652 pages, ओके, एक बुक में 2652 pages है। आराध्या सेड शी वुड रीड 17 pages अ डे, ओके, आराध्या जो है ये आराध्या एक दिन में 17 pages रीड करती है, 17 pages रीड इन अ डे, ओके, एक दिन में। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक हर टू रीड द बुक, ओके, मतलब उसको पूरी बुक पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक हर टू रीड द बुक, मतलब 2652 pages की जो बुक है ये पूरी बुक उसको आराध्या को पढ़ने के लिए कितने दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में वो 17 pages पढ़ती है, 17 pages जो होती है 17 pages रीड करती है, तो टोटल उसको कितने दिन लगेंगे 2652 pages की बुक को रीड करने के लिए, ओके। तो चलिए करके देखते हैं 5 number, टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू देन 17 pages रीड इन अ डे, ओके,
17 पेजेस रीड इन अ डे। तो टू नंबर की पेयर बनाइए आप सीधे सीधे, ओके। टू नंबर की हम पेयर बनाएंगे तो 26 है तो 17 वन जा 17, ओके। 17 वन जा 17, 6 माइनस 7 नहीं है तो 110 इज कैरी एंड 16 माइनस 7, 9, ओके। 9 रिटर्न कीजिए, 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 1 0, ओके। उसके बाद हम इसको 5 को नीचे लाएंगे। 5 को नीचे लाने के बाद देखिए अभी आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो आप सीधे टेबल मेकअप कर सकते हो, ओके। 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, ओके। 17 थ्री जा 51, उसके बाद 17 फोर जा 68, ओके। देन 17 फाइव जा 85, ओके। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे 17 और फिर से ऐड कर देते हैं तो ये लॉन्ग हो जाएगा 7 सिक्स 42, 7 सिक्स 42 एंड 6 वन जा 6 प्लस 4 10, तो 102 होता है। तो हम लेंगे यहाँ पे 85, 5 से डिवाइड होता है सो 85 और यहाँ पे 5, 5 माइनस 5 0 एंड 9 माइनस 8 1, ओके। ऊपर क्या है 1 2 बचा है, 2 को हम नीचे लाएंगे तो 102 6 से फुल्ली डिवाइड होता है, ओके। 17 सिक्स 102, 17 सिक्स 102, सो 156 डेज, 156 डेज रीड आराध्या 2652 पेजेस, मतलब 2652 पेजेस को रीड करने के लिए आराध्या को टोटल 156 डेज लगेंगे, ओके, ध्यान में रखना। उसके बाद हम देख रहे हैं 6 नंबर, ओके। 6 नंबर में देखिए 12 स्टूडेंट्स कैन सीट ऑन अ बेंच, 12 स्टूडेंट्स कैन सीट ऑन अ बेंच, हाउ मेनी बेंचेस आर नीडेड फॉर 1840 स्टूडेंट्स, ओके। 12 स्टूडेंट्स कैन सीट ऑन अ बेंच, ये बेंच पे जो 12 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो 1840 स्टूडेंट्स के लिए कितने बेंच लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि 1840 देन डिवाइड बाय 12, ओके। सो स्टूडेंट्स सीट ऑन अ बेंच 12 स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 1840, सो 12 वन जा 12, 8 माइनस 2 6, पहले हमने 2 की पेयर बनाया, 2 की पेयर क्यों बनाया क्योंकि डिविजर जो है स्मॉल है और 18 जो है 2 नंबर की पेयर बनाते हैं तो डिविजर से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे बनती है, इसलिए हमने 2 नंबर की पेयर बनाई है, ओके। जब डिविजर छोटा होता है और 2 नंबर की पेयर बनाना पॉसिबल नहीं होता है तब हम 3 नंबर की पेयर बनाते हैं, ध्यान में रखना, ओके। सो 12 वन जा 12, 8 माइनस 2 6 एंड 1 माइनस 1 0, देन 4 को नीचे लाएंगे अभी तो 64 हो जाएगा, ओके। सो 12 फाइव जा 64 एंड 6 माइनस 6 0, हम 0 को नीचे लाएंगे तो होगा 12 थ्री जा 36, ओके। 12 थ्री जा 36, सो 10 माइनस 6 4 एंड 3 माइनस 3 0, ओके। तो इस तरीके से 6 नंबर का एग्जांपल सॉल्व हो गया, टोटल बेंचेस लगेंगे 153, ओके। 153 बेंचेस आर नीडेड फॉर 1840 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, तो उसके बाद देखते हैं 7 नंबर, देर आर 98,028 न्यूज़पेपर्स
and 75 newspaper boy deliver these papers to various areas. How many newspapers does each boy deliver and how many are left? Okay, अभी यहाँ पे देखिए कि 98,028 newspapers total है और 75 newspapers boy, okay, जो newspaper seller होते हैं तो total 75 boys है और ये 75 boys इस इन papers को अलग अलग area में distribute करते हैं, okay? सो हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स डज ईच बॉय डिलीवर, मतलब एक जो लड़का है ये एक लड़का कितने न्यूज़पेपर को डिलीवर करता है और कितने बचे हुए रहते हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, सो टोटल न्यूज़पेपर्स आर 98,028 और टोटल जो स्टूडेंट सॉरी बॉयज है न्यूज़पेपर सेलर वाले वो 75. तो आपको सबसे पहले 75 का जो टेबल है वो आप मेकअप कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टू नंबर की पेयर बनाते हैं तो 75 1 जा 75. एग्जाम्पल इजी किस तरीके से होगा वो सबसे पहले देखिए. ओके, सो 8 माइनस 5 3 एंड 9 माइनस 7 2. ओके, 98 को हमने 23 बना दिया. अभी ये सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इस जीरो को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो होगा 230. ओके, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 75. ओके, और 75 1 जा 75 एंड 75 2 जा 150 एंड 75 3 जा. ओके, आप करके देख सकते 150 एंड 225. ओके, तो आपको मिल जाएगा 225. आप करके देख सकते हो 75 1 जा 75 75 2 जा 150. ओके, देन 75 3 जा. अभी यहाँ पे हम 75 ऐड करेंगे. ओके, 75 जब हम ऐड करें तो 0 प्लस 5 5 7 प्लस 5 12 1 कैरी 1 प्लस 1 2 225 कहा था मैंने. ओके, तो 75 3 जा 225. 75 3 जा 225. सो 230 माइनस 225 सो बैलेंस इज 5. ओके, उसके बाद इस 2 को आपको नीचे लाना है तो नंबर बनता है आपका 52. ओके, 52 नंबर यहाँ पे बन गया है और 52 ये अनडिवाइडेड पार्ट है. ओके, ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, अनडिवाइडेड पार्ट अगर आता है तो क्वेश्चन पे हम 0 पुट करते हैं. हमने 0 पुट किया. 0 पुट करने के बाद ही आप इस नंबर को नीचे ला सकते हैं. ओके, अभी हमने इस नंबर को नीचे लाया. नीचे लाने के बाद ये नंबर बन गया है 528. ओके, तो हमें यहाँ पे दिखना है तो 75 4 जा 300. ओके, 75 4 जा 300 एंड 75 5 जा 375 देन 75 6 जा 65 जा 30. ओके, 65 जा 30 3 कैरी 6 7 जा 42 एंड 42 प्लस 3 45. सो 450 देन 75 7 जा 75 जा 35. ओके, 3 कैरी 7 7 जा 49 49 प्लस 3 तो 52 होता है. ओके, 525 तो 7 से डिवाइड होता है. 75 7 जा 525 525. तो 528 माइनस 525 3 8 माइनस 5 3 0 0 एंड 0. सो 3 न्यूज़पेपर्स आर लेफ्ट एंड ईच बॉय 1307 न्यूज़पेपर्स डिलीवर. ओके, मतलब एक जो न्यूज़पेपर बॉय डिलीवर है ये
1307 न्यूज़पेपर्स को डिलीवर करता है और बचे हुए रहते हैं 3। ओके, ध्यान में रखना, मतलब 75 स्टूडेंट्स, अगर आपको चेक करके देखना है तो आप करके देख सकते हैं, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, 1307 मल्टीप्लाई बाय 75 प्लस 3, इसको करेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा 98,028। ओके, उसके बाद देखिए एट नंबर अ प्राइज मनी ऑफ ₹6,633 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम, हाउ मच डीड ईच प्लेयर गेट। ओके, अभी एक क्रिकेट टूर्नामेंट की प्राइज मनी देखिए कि 6633 है और यही जो प्राइज है, ये प्राइज 11 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर एक प्लेयर को कितने रुपए जाएंगे। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एट नंबर देखिए 6633। ओके, 6633 एंड टोटल प्लेयर्स आर 11। ओके, सो 11 सिक्स जा 66, 11 सिक्स जा 66। ओके, यहाँ पे 0 0, हम 3 को नीचे लाएंगे, अनडिवाइडेड पार्ट है सो 0, और यहाँ पे लाएंगे तो 33, सो 11 थ्री जा 33। तो इस तरीके से ये 603 रुपीज ईच प्लेयर को जाएंगे। ओके, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 603 मल्टीप्लाई बाय 11, सो 11 थ्री जा 33। ओके, 11 थ्री जा 33, 3 कैरी, 11 वन जा 11 प्लस 3, इलेवन जीरो जीरो। ओके, कैरी जो 3 था 3 एंड 11 सिक्स जा 66। ओके, सॉल्व हो गया, सो 603 रुपीज ईच प्लेयर, हर एक प्लेयर को जाएंगे 603 रुपीज। उसके बाद 9 नंबर देखिए, देर आर 30,744 एप्पल्स टू बी पैक इन बॉक्सेस। ओके, टोटल जो एप्पल्स से बॉक्स में जो पैक हो चुके हैं वो है 30,744। इफ ईच बॉक्स कैन कंटेन 36 एप्पल्स, मतलब एक बॉक्स में 36 एप्पल है। ओके, एक बॉक्स में 36 एप्पल्स, तो टोटल 30,744 एप्पल्स है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड फॉर ऑल द एप्पल्स टू बी पैक, यानी सभी एप्पल्स को पैक करने के लिए टोटल कितने बॉक्स लगेंगे। ओके, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड फॉर ऑल द एप्पल्स टू बी पैक। ओके, सो 30,744 and each box contain only 36 apples। ओके, एक बॉक्स में 36 एप्पल ही स्टोर होते हैं, तो 307, तो 36 और 30 है, तो 2 नंबर की पेयर पॉसिबल नहीं, तो हम 3 नंबर की पेयर यहाँ पे बनाते हैं, तो 307। ओके, 307 हो गया, तो 36 का टेबल भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म कर सकते हो। ओके, 36 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 36 टू 6 टू जा 12। ओके, 1 कैरी, 3 टू जा 6 प्लस 1 7। ओके, 72 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ओके, 10 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 6 4 जा 24। ओके, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। ओके, 144 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18। ओके, देन 36 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 21। ओके, देन 36 मल्टीप्लाई बाय 7, सो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25,
252। अभी यहाँ पे देखिए कि 252 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 8 सिक्स जा 48, 4 कैरी एंड 8 थ्री जा 24 प्लस 4 28, ओके 288। अगर हम 36 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर करते हैं तो 9 सिक्स जा 54, ओके 9 सिक्स जा 54, 5 कैरी देन 9 थ्री जा 27 एंड 27 प्लस 5 32, ओके सो 324 आता है, मतलब ये लार्ज है 324, तो हम यहाँ पे लेंगे 288, ओके मतलब 8 से 288, ओके सो 17 माइनस 8 9, ओके 9 यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 1 2 एंड 2 माइनस 2 0, सो 19 बैलेंस है। हम 4 को नीचे लाते हैं 194, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 180, ओके 36 5 जा 180, 36 5 जा 180, 4 9 माइनस 8 1, 4 को हम फिर से नीचे लाते हैं तो बनता है 144, सो 144 36 4 जा 144, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। आप अगर इस तरीके से टेबल बना के देखते हो तो आप इजीली किसी भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो 864 बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 30,744 एप्पल्स, ओके। और एक लास्ट है 10 नंबर, देखिए अ सम ऑफ रुपीज 96,525 इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 46 persons, देन हाउ मच विल ईच पर्सन रिसीव एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट, ओके। तो 46 persons में इक्वली डिवाइड करना है 96,525 रुपीज, सो 96,525 रुपीज, देन टोटल persons आर 46, ओके 46 persons है। अभी 46 persons को हम अगर यहाँ पे उसका टेबल अगर बनाते हैं तो 46 मल्टीप्लाई बाय 1 46, 46 टू जा 6 टू जा 12, सो 92 आएगा, ओके 4 टू जा 8 प्लस 1 92, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 46 टू जा 92, 46 टू जा 92, 6 माइनस 2 4 0, 5 को नीचे लाएंगे डिवाइड नहीं हो रहा है, ओके हम यहाँ पे 0 देंगे और अगेन हम 2 को नीचे लाएंगे तो 452 होता है। तो यहाँ पे आपको जाना है तो 46 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जा 18, ओके 6 3 जा 18, 1 कैरी एंड 3 4 जा 12 प्लस 1 13, देन 46 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 4 जा 16 प्लस 2 18, देन 46 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 4 जा 20 प्लस 2, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 230, देन 46 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, ओके देन 46 मल्टीप्लाई बाय 7, 46 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 4 जा 28, 28 प्लस 2 32, ओके 322। और उसके बाद अगर देखते हैं तो 46 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आ जाएगा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 3 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, ओके 8 6 जा 48, देन 8 6 जा 48, 4 कैरी 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, ओके 368, एंड 46 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 6 जा 54,
5 carry, 9 4 जा 36, 36 plus 5, 41, so 414, okay, 414, तो 9 से डिवाइड होता है, 46 9 जा, 414, okay, so 12 minus 4, 8, 12 minus 4, 8, and 5 minus 1, 4, 4 minus 1, 3, 0, 38, okay, तो यहां तक हमने सॉल्व किया, उसके बाद ये जो 5 है, इस 5 को हम नीचे लाएंगे, okay, 5 को नीचे लाने के बाद बनेगा 385, so 385 आप देख सकते हो कहां पे है, तो 8 है, okay, 8 है, तो 368, 8 से डिवाइड होगा, 368, okay, then 5 minus 15 minus 8, 7, then 8 minus 1, 7, 7 minus 6, 1, okay, so 17 rupees are left and 2098 rupees are distributed in equally, okay, तो ये solve हो गया, कुछ work मैं आपको देने वाला हूँ homework पे, okay, तो ध्यान में रखना, ये इस तरीके से सॉल्व करना है, और वीडियो काफी बड़ा हो गया है, ओके, थैंक यू।